हेलो फ्रेंड्स, फॉर्च्यून इन्फो सॉल्यूशन की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ हाजिर हुए हैं। और अपडेट है एमसीसी, नीट, पीजी काउंसलिंग, ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड एंड डीएनबी कोर्सेस, डीएनबी काउंसलिंग कोर्सेस से रिलेटेड। तो आज के इस वीडियो में एक नई अपडेट आई है दोस्तों एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और एक नोटिस आई है। और नोटिस है फर्स्ट राउंड में जिन स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट होती है उनकी रिपोर्टिंग से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या अपडेट्स है इस नोटिस में। तो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो हाइब्रिड रिपोर्टिंग की नोटिस है। और इस नोटिस में ये कहा गया है कि जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट होती है और वो उस अलॉटमेंट के साथ जाना चाहते हैं, और साथ ही साथ राउंड टू के लिए अपग्रेडेशन अपग्रेडेशन की विलिंगनेस रखते हैं, अपग्रेड जो विलिंगनेस देना चाहते हैं अपग्रेडेशन के लिए राउंड टू में, उन्हें फिजिकली रिपोर्टिंग करनी होगी अलॉटेड इंस्टीट्यूट में अपनी एडमिशन कंफर्म करने के लिए। और जो स्टूडेंट्स राउंड टू में अपग्रेडेशन में नहीं जाना चाहते हैं एमसीसी काउंसलिंग के लिए, ये एमसीसी काउंसलिंग के लिए है फ्रेंड्स दोस्तों, कि एमसीसी काउंसलिंग फर्स्ट राउंड में अगर आपको अलॉटमेंट हो गई और सेकंड राउंड में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं, प्रीवियस अलॉटमेंट को होल्ड करके सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपको फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा अलॉटेड इंस्टीट्यूट में अपनी एडमिशन कंफर्म करने के लिए। और जो रिक्विजिट फीस है उसको पे करनी होगी ऑथराइज्ड पोर्टल जो है उसके थ्रू। और जो जो बच्चे फर्स्ट राउंड में अलॉटेड सीट से सेटिस्फाइड नहीं हैं और जो स्टेट्स रिज़ाइन करना चाहते हैं या फिर जो स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, स्टेट काउंसलिंग में भी एडमिशन के लिए देख रहे हैं काउंसलिंग के थ्रू, वो ऑनलाइन रिपोर्टिंग करेंगे। वो जितनी भी एडमिशन्स होगी वो ऑनलाइन प्रोविजनल एडमिशन्स होगी, और वो फाइनल तभी होगी जब आप वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की करवाएंगे फिजिकली जाके। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है जो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ऑल एडमिशन्स मेड ऑनलाइन विल बी डीम्ड प्रोविजनल एंड विल बी कंसिडर्ड फाइनल ओनली ऑन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ फिजिकल ज्वाइनिंग एंड मेडिकल फिटनेस एट द कॉलेज। द कॉलेज अथॉरिटीज शुड जनरेट एडमिशन लेटर ऑनलाइन थ्रू इंट्रा एमसीसी पोर्टल फॉर कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग ऑनलाइन एंड सेंड वन कॉपी ऑफ एडमिशन लेटर टू द कैंडिडेट एंड इंडोर्स वन कॉपी टू एमसीसी ऑन ईमेल pgmcconlinereporting@gmail.com। यानी कहने का मतलब यह है कि जो जिन्हें फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट के बाद वो सेटिस्फाइड नहीं है और एमसीसी स्टेट काउंसलिंग में जाना चाहते हैं और स्टेट काउंसलिंग्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और अगर उन्हें अपनी जो एडमिशन है उसको कंफर्म करनी है तो उसके लिए उन्हें फिजिकली जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी होगी अलॉटेड कॉलेज में, और मेडिकल फिटनेस भी देना होगा। तो ये इसमें इस नोटिस में दिया गया है। और जो फर्स्ट राउंड में सीट ज्वाइन करना चाहते हैं और बाद में रिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो 3rd of February 2022 जो पहले पिछली नोटिस में आया था, उस पिछली नोटिस में जो इन्होंने बताया था कि 3rd of February को 4 बजे तक वो रिज़ाइन कर सकते हैं, एंड विच आफ्टर विच दे विल बी considered as part of round 2 and the same rules will apply as applicable for round 2 counseling. जिसके बाद round 2 counseling की rules apply होगी। जो free exit avail करना चाहते हैं, जिन्हें free exit की option को avail करना है, free exit करना है round 1 से, उन्हें report करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी दोस्तों इस नोटिस में अपडेट्स, एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट है ये। और ये नोटिस जो है आप
एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतनी ही अपडेट्स, अगले वीडियो में कुछ और न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल, ज्ञानवर्धक और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। और किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन, अपडेट, हेल्प, काउंसलिंग गाइडेंस, पेड काउंसलिंग गाइडेंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पर ज़रूर कॉल करें। बेझिझक, थैंक यू।